श्रोमणी अकाली दल वालों आज पूरे सूबे दे विच पंजाब मंग दा जवाब मुहिम के तहत धरना प्रदर्शन किए गए। इस दौरान अकाली लीडर ने कैप्टन सरकार दे नाल नाल दिल्ली दी केजरीवाल सरकार ते भी तिखे निशाने साधे। अकाली नेतावां ने कैप्टन सरकार दीआं नाकामियां गिणाउंदिआं दावा कीता कि कांग्रेस ने पंजाब दे नाल धोखा कीता है। अकाली लीडरां दा कहना है कि मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब दे लोकां नूं झूठ बोलिआ कि हर घर नौकरी दित्ती जावेगी, पेंशन दित्ती जावेगी, पंजाब विच नशे दा लक तोड़िआ जावेगा, पर कैप्टन सरकार ने लोकां दे नाल चोणां दौरान कीता एक भी वादा पूरा नहीं कीता। उत्थे उन्होंने आम आदमी पार्टी नूं भी निशाने ते लैंदे होए कहा कि आम आदमी पार्टी 2022 दे मद्देनजर पंजाब दे विच अपनी सियासी जमीन तलाश रही है, लेकिन इस विच उन्हां नूं नाकामी ही हाथ लगेगी। आओ तुहानूं विखाउंदे आं पंजाब भारत तों अजीत दे पत्रकारां दी विशेष रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी ने झूठ बोलिया सी और आम आदमी पार्टी ने झूठ बोलिया सी, उसनू झूठ नू नंगा करन वास्ते अज नाभे हल्के विच देवी दयाला चौंक च धरना लाया जा रहा। कैप्टन साहब ने झूठ बोलिया सी, गुटका साहब की सहु चक के भी मैं घर घर बच्चों नू नौकरी दूंगा, 90,000 करोड़ रुपया जिहड़ा किसानां दा कर्जा है वो भावें बैंकों का होवे, सहकारी बैंकों का होवे, आड़तियों का होवांगे, मैं दूंगा, मेरी सरकार दूगी, ये कैप्टन साहब ने बोलिया सी। और उन्होंने 51,000 स्कीम का वादा किया, उन्होंने 2500 पेंशन का वादा किया, उन्होंने आटा दाल की स्कीम के नाल चीनी चाह पत्ती घ्यो का वादा किया। मैं समझना जिन्हें जदों की सरकार बनी वादा तो की करना सी पूरा, मैं कहना भी पंजाब की जनता नूं दर्शन नहीं दिखाए उन्होंने। और इस तरह आम आदमी पार्टी है, वो पंजाब चाह के किसानां दे हित च किसानी की गल करती है भी यह काले कानून माड़े ने, जिहड़े मोदी साहब ने काले कानून बनाए है और अपनी विधानसभा दे विच ओह पास कर रहा, पास करके उन्हां नूं लागू कर रहा, वो कापियां ड्रामेबाजी करके फाड़ के इत्थे की शो करना चाहुंदा ये झूठ दा पलंदा। और जो पार्लीमेंट दे विच किसानी दे मुद्दे ते बहस हो रही सी तां बीबा हरसिमरत कौर जी ने एंटी वोट पाई और किसानी दी डट के उत्थे सपोर्ट कीती, और यह जदों बोलना थी उत्थे पार्लीमेंट च गैर हाजिर हो गए। इस तरह कांग्रेस के 30 MP सी वो गैर हाजिर हो गए। हुण किसानां दी हितैषी पार्टी कहन नाल नहीं बनती, मैं समझदा करन नाल बनती है। बीबा जी ने करके दिखाया, अपना पार्टी तो रिजाइन दिता, मंत्रीशिप छड़ी, पार्टी छड़ी और किसानों के हाथ आके अज असी किसानी की गल करके बादल साहब जी ने जिहड़े सरप्रस्त साडे प्रकाश सिंह जी जिहड़े किसानी के मसीह। सरकार ने वादे तो वड्डे वड्डे करे सीगे, किस तरह देखते हो सरकार की पुट्ठी गिनती शुरू होने वाली है, किवें देखते हो? असी उही गल अज लोगों नूं दस रहे हैं भी जिहड़े इन्होंने वादे करे सी की घर घर बच्चों नूं नौकरी मिली, की किसानां दे कर्जे माफ होए, की मोबाइल फोन मिले, जिहड़े भी वादे करे सी कोई वादा इन्हां दा पूरा नहीं होया। मैं समझदा जिहड़ी काठ दी हंडी है ना एक बार चढ़दी है, जिन्ना मर्जी ये जोड़ लाण, जिहड़ा बंदा गुटका चक के सौं ही खा लवे भी मैं नशे खत्म कर दूंगा, मैं घर घर नौकरी दे दूंगा और उसके बदले दिता कुछ ना हो, मैं समझा लोग बार बार यहोजे बंदे का कोई तबार नहीं। कांग्रेस का कह रही 4 साल विकास बहुत तो लोकल MLA कहता नाभे की, मैं तुसी लोकल की गल कर लियो, तुसी जदों आपां नाभे की एंट्री है हॉर्लिक्स फैक्ट्री को देख लो, उत्थे दो गठे टोए पाए हुए ने, अगे फिर हीरा महल देख लो, 3-3 फुट नालियां डूंगियां पईआं ने, उह कहिंदा मैं सीवरेज पवाता, सड़हिंद मार रही है, कहन नूं हीरा महल है पर उत्थे नरक बणिआ पिआ, मैं तां नरक महल कहूँगा क्योंकि उत्थे इन्नी स्मैल बदबू, ना वाटर सप्लाई, ना सीवरेज, और घोड़े वाले गुरुद्वारे देख लो, ग्रिड चौंक देख लियो, और तुसीं आ बॉर्डर गेट देख लियो, जिन्नी गंदगी मैं समझदा नाभे शहर दे विच है वाटर सप्लाई और सीवरेज की, इन्नी गंदगी कितें होर हो नहीं सकती। इस तरह पिंडां च तुसीं मलेरको इत्थे आपां जाने हैं पासों तो ला के गोविंदगढ़ तक, तुम देखो अज खड्डे पे हुए, थां थां खड्डे पे हुए सड़कों पर, पिंडां च तुम चल जाओ, जे जिहड़े साढ़े मैं जदों इत्थे 16 च इलैक्शन लड़िया तो मैनू 22 करोड़ दिता थी, वो 12 करोड़ रुपया खर्च कर 10 करोड़ रुपया जिहड़ा बचा सी वह भी पूरा नहीं ला सके। तुम आउटर कलोनिया चल जाओ, उत्थे
ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ MP ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਝਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹ ਝਾਸਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਪੱਟਤੀਆਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਸੀਵਰੇਜ ਤਾਂ ਕੀ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਪੱਟ ਕੇ ਗੇੜਤੀਆਂ। ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹੇ ਮੈਂ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ। 3 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹਨੇ ਫਿਊਚਰ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 20 MLA ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਇਹ ਉਦੋਂ 17 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ 100 ਬਣਨਗੇ, 20 ਰਹਿ ਗਏ, 20 'ਚ ਅੱਧੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਦੌੜ ਗਏ, ਅੱਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਲੇ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਲੱਕੜ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਬਣ ਗਈ। ਯਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹ ਖਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਹੈਗਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ 5 ਗੇਟ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੰਦਰ ਨਾਭਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਆਸਤੀ ਗੇਟ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗੇਟ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਗੇਟ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੱਲ ਗੇਟ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੰਮਲੇ ਜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਗੇਟ ਬਣਾਏ ਆ। ਗੇਟ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇਵੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਦੇਵੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇਵੋ। ਗੇਟ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੁੱਟ ਕੇ ਇਹ ਖਾ ਗਏ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਪੈਸੇ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਗੇਟ ਤਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਈਏ। ਸੋ ਗੇਟ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਚਿਹਰੇ ਆ, ਉਹ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਫਿਕਸਡ ਮੈਚ ਖੇਡਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਛੁਰੇ ਮਾਰੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਅੰਜੂ ਵਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਕਸਡ ਮੈਚ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਾਏ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਕਰੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਝੂਠ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੋਂ, ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੰਗੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕੇ ਹੋਰ ਵੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ? ਦੇਖੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹੋਈਆਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਊਂਸਲ ਦੀ, ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, 5-7% ਵੋਟ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਹਵਸ, ਸੱਤਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ, ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀਓਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਦਿੱਲੀਓਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਆਉਂਦਾ, ਦਿੱਲੀਓਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਉਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ, ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੱਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਾਧੂ ਬਿੱਲ ਗਰੀਬ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਆਏ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਤਕਲੀਫ਼ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਸਪੈਂਸ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਉਸ ਚਿਹਰਾ
ਜਿਹੜਾ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾਉਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮਸ਼ਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਣੇ। ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਉਣ ਕਿਹੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਿਹਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੁਛ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਗ ਦਾ ਜਵਾਬ ਰੈਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ 'ਚ ਓਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਯੂਥ ਮੰਗ ਦਾ ਜਵਾਬ ਰੈਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ ਅਤੇ ਆਪ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2002 'ਚ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੇ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਪਰੇਟਿਵ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਚਾਹੇ 51,000 ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ 51,000 ਰੁਪਈਆ ਸਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਚਾਹੇ 2500 ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਚਾਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ 2500 ਦੇਣਾ, ਔਰ ਚਾਹੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਓ ਖੰਡ ਪੱਤੀ ਚਾਹ ਦੇਣਾ, ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤੈਸੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਉਹ 3 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਇੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕੱਲੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਲਮ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤੈਸੀ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਹਦ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਵਪਾਰੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ NDA ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ NDA ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਅਸੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸਿਮਰ ਕੌਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੱਸੋ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਿਹੜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਦਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਲੂੰਬੜ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲੂੰਬੜ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੇ ਜੋ ਲੋਕ ਆ ਇਹ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਕਰਤਾ, ਇੰਨਾ ਝੂਠ, ਇੰਨਾ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ, ਇੰਨਾ ਧੋਖਾ, ਇੰਨੀ ਠੱਗੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੋਸ ਜਿਹਾ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਆ, ਇਹ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ 2017 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਠੱਗੀ ਕਰਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
इस करके उसके विरुद्ध रोस है तो लोगों के किरदार उसका विहार उसकी राजनीति उसका गंद उसका झूठ उसकी ठगी जिहड़ी है वो नंगी करन की खातर श्रोमणी अकाली दल ने कांग्रेस के विरुद्ध जिहड़ा रोस प्रदर्शन किया। दूजे बने केजरीवाल, केजरीवाल बारे मेरे ख्याल के पंजाब के लोगों को कोई हुण भुलेखा नहीं रहना चाहिए कि जे किसी ने पूरे हिंदुस्तान च सियासत नूं गंदियां कीता ते गंदला कीता ते झूठ दे सिर ते सियासत कीती ते केजरीवाल ने की। और जिस तरह कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ठगी मारी सी यही इन्हें 2017 दे विच इन्हें कोशिश की सी उदों दी गल नहीं बनी हुण उसे पासे नूं हो लग पिया। उहदा वी जिहड़ा किरदार है लोगों के दस्या जा रहा है लोगों के मना च उहदे प्रति भी रोस है कि सानू पहलो सब तो पहलो केजरीवाल साहब आम आदमी पार्टी भगवंत मान सानू पहलो जिहड़ा 2017 दीआं विधानसभा चोणां दे विच पंजाब दे लोकां नाल ठगी मारी जे 500 करोड़ रुपया आपदी जेब च पाया जे पंजाब दे NRI ने पंजाबी लोगों ने तुहाडीआं जेबां भरतीआं पैसे दे नाल तुहानू 500 करोड़ रुपया दिता कित्थे आ उस 500 करोड़ दा हिसाब तब दे दो। और वह पार्टी जिहदे उत्ते होर किसी ने नहीं आम आदमी पार्टी नाल संबंधित जिहड़ियां बीबियां सी जिहड़ियां सियासत विच अगे वधना चाहुंदियां सीगियां और उन्होंने शरेआम 2017 दी विधानसभा चोणां तों बाद आम आदमी पार्टी दे आगूआं दे उत्ते दोष लाए कि इन्हां ने साडा शरीरक शोषण कीता है सानू टिकटां देण दे नां ते सानू अहुदे देण दे नां ते सानू अगे वधाउण दे नां दे उत्ते साडा शरीरक शोषण कीता है। वो पार्टी जिहड़ी पंजाब दे अणखी लोकां दीआं धीआं भैणां दीआं इज्जतां दे नाल खेड गए होण ते जवाब देण दी बजाए होर ही गल्लां करी जाण। और एक बंदे ते केजरीवाल कहिंदा है कि जां आम आदमी पार्टी कहिंदी कि जिहड़े ये तिन्ने केंद्र सरकार वल्लों बनाए हुए जिहड़े किसान विरोधी कानून ने काले ने ये रद्द होने चाहिए तो पूरे हिंदुस्तान च जिहड़ियां भारतीय जनता पार्टी दीआं विरोधी सरकारां ने किसी ने लागू नहीं किया केवल तो केवल केजरीवाल है जिन्हें 23 नवंबर 2020 नूं एक APMC एक्ट है जिहड़ा प्राइवेट मंडियां नूं वधावा दिंदा आ वो जिहड़ा आ आपदी नोटिफिकेशन जारी करके आपदे हुक्म लागू हुक्मां दे तहत जिहड़ा उहनूं लागू किया दिल्ली दे विच। और जदों आम आदमी पार्टी नूं पुछया गया तो इन्हां दे वड्डे आगू जिहड़े राघव चड्ढा ने वो कहिंदे जी ते कानून ही बहुत वधिया है एक बने तुसीं नोटिफिकेशन जारी करके APMC एक्ट जिहड़ा दिल्ली दे विच लागू करो फिर तुहाडा राघव चड्ढा कहे कि ये तो कानून बहुत वधिया आ तो फिर दोहरा किरदार क्यों रखते जी फिर दोहरियां गल्लां क्यों करते जी फिर सब तो वड्डी गल है कि एक जिहड़ा इन काले कानूनों नूं लैके जिहड़ी स्टैंडिंग कमेटी बनी है पार्लीमेंट की जिथे वख-वख सूबियां दे मैंबर पार्लीमेंट ने ते पंजाब दी नुमाइंदगी भगवंत मान करदे सी उस कमेटी स्टैंडिंग कमेटी ते जिहड़ी जमाखोरी नूं लैके एक्ट आ जिहड़ा जरूरी वस्तां नूं लैके एक्ट आ उहदे बारे जिहड़ा उस स्टैंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट देनी सी उह रिपोर्ट दित्ती गई और उस रिपोर्ट के कमेटी कहती है कि यह कानून जिहड़ा तुरंत लागू होना चाहिए कानून बहुत वधिया तो वो भगवंत मान जी बैठे दस्तखत हुए तो ताडे भगवंत मान जी जिहड़े पंजाब की नुमाइंदगी करते पंजाब तो कहते कि काले कानून ने रद्द होने चाहिए दूसरे बने स्टैंडिंग कमेटी के उस काले कानून की हमायत करते जी। इस करके जिहड़ा इन लोगों का जिहड़ा किरदार वो असी नंगा किया जिहड़ा एक नवीं गल जी जेकर दिल्ली में बिजली फ्री हो सकती है तो पंजाब में फ्री क्यों नहीं सकती पहले दिल्ली जाके पूछो तो सही लोगों ने चीकां कढ़ाइया पी किनू फ्री मिलती उत्थे हाँ जे मिलती है तो पंजाब मिलती है गरीब भाईचारा BC भाईचारा सत प्रकाश सिंह बादल ने सब तो पहले पूरे हिंदुस्तान च गरीब भाईचारे वास्ते SC भाईचारे वास्ते 200 यूनिट बिजली का माफ करने की स्कीम जी सत प्रकाश सिंह बादल ने लिया जे पंजाब के अंदर बंबियां के बिल माफ़ ने किसानों के जेड़े 6000 करोड़ तो उत्ते जिहड़ा पंजाब सरकार बिजली बोर्ड में अदा करती है जे वो स्कीम लिया सत प्रकाश सिंह बादल ने लिया जे मामला माफ़ किया किसानों का सब प्रकाश सिंह बादल ने किया जे तारा तो पार दे सरहदी किसानों नूं मुआवजा देना शुरू किया सब प्रकाश सिंह बादल ने किया और उदों ही मिलता रहा जो सब प्रकाश सिंह बादल की सरकार सी जदों भी सरकार चली जाती रही उस समय बंद है तो हुण फिर 2017 तो लैके उस सरहदी किसानों का मुआवजा बंद है 15 लाख के करीब पंजाब के अंदर ट्यूबवैल कनैक्शन है तो 13 लाख ट्यूबवैल कनैक्शन उदों मिले जो श्रोमणी अकाली दल दी सरकारां सी सब प्रकाश सिंह बादल दी सरकारां सी जे पंजाब के अंदर पावर सरप्लस हुई सत प्रकाश सिंह बादल की सरकार जे पिंडां दा शहरां दा विकास होया श्रोमणी अकाली दल की सरकार जे सड़कां दे जाल विशे श्रोमणी अकाली दल की सरकार जे बिजली जिहड़ी सप्लाई है उहदा सुधार होया उह सत प्रकाश सिंह बादल की सरकार जे खेतां च रहण वाले लोकां नूं जिहड़े घर बना के बैठे हुए ने जिन्हां नूं असी
ये पंजाब दे विच कोई बेकिया कह दिता, कोई ढाणिया कह दिता, कोई फार्म हाउस कह दिता है, उन्होंने खेतों के चौबी घंटे उन्होंने जो बिजली सप्लाई दी सब प्रकाश सिंह बादल की सरकार ने। जे खेतों के रस्ते पक्के किए जे लाल की तो बार इट नहीं सी लगती, वो सब प्रकाश सिंह बादल ने खेतों के राह पक्के किए किसानों के और खेतों के रहने वाले लोगों के। इस तरह बड़ा कुछ है, जो ग्राउंड पर लगी तो बड़ा टाइम लगेगा। जो कुछ भी किया सब प्रकाश सिंह बादल ने किया, जिहड़ियां अज हरेक की जबान पर है कि जे काले कानून लागू हो गए तो APMC एक्ट लागू हो गया तो जिहड़ियां साडियां मंडियां ने सरकारी मंडियां ने खत्म हो जाणगियां तो पंजाब के किसान की आर्थिकता तबाह हो जूगी। सच है, इस कोई दुराम नहीं है कि जे वो कानून लागू हो जाता है प्राइवेट मंडियां खुल जांदियां ने सरकारी मंडियां खत्म हो जाणगियां पंजाब के किसान की आर्थिकता तबाह हो जूगी। ये भी कहिंदे इन्हां दोवां ने लोगों के नाल वोटा लैन के समय अज तो 4.5 साल पहले जो वोटा पैनिया ही इन्होंने लोगों को झूठ मार के वोटा प्राप्त कीतिया। आम आदमी पार्टी ने कहा था साड़ी सही सरकार बना दो, असं हर घर नौकरी देवे, साफ सुथरा तुम प्रबंध देवे। चलो खैर, लोगों ने वोटा उन्होंने पूरी नहीं पाइया तो लोग उन्हें गल घट आए, पर आए जरूर उन्होंने 18-19 बंदे जित के पंजाब असैम्बली गए, पर सार ही आप कई घोटालों का शिकार होए। ये जेडे 20 बंदे ही जेडे मैंबर शुरू अपने बने से इन्हों MLA असैम्बली के बने आ, उन्होंने 6 धड़े बनाए अपने मुड़के। सुखवाल सिंह खैरा कहिंदा मैं चीफ मिनिस्टर बनना, भगवंत मान जेड़ा पार्लीमेंट का विच गया वा वो आंदा मैं बनना। इस तरह करके जिन्हें धड़े आ सारे ने वक् वक् तौर पर आपो अपने दावेदारी जी मजबूत करने की कोशिश की। इस पार्टी का इन्ना कि सफर मैं समझदा, तो जे पंजाब के मसले आए तो केजरीवाल ने दिल्ली नोटिफिकेशन जारी करके जेडे उन्होंने तिने कानून से उन्होंने प्रोढ़ता कर दिती दिल्ली की असैम्बली से नोटिफिकेशन पास करा के। ये जेडे बाहर आके मगर मछे हंजू सुट दे अही किसानों पंजाब के लोग अही ताडे नाल आ, वो गल दिल्ली की असैम्बली दे विच जिहड़ा इन्होंने नोटिफिकेशन पास किया वा उहदी याद दिलाउण वास्ते भी अज अही कत्तरता की आ भी दसीए उत्थे ठगी मारदे जे इत्थे आके झूठ मारदे जे तुसीं किहड़े बन्ने जाओगे। लोगों नूं दसणा इन्हां ने ताडे नाल फिर इस तरह के वायदे करने आ, लुभावे वायदे करनगे। जिहड़ा प्रशांत किशोर जी ने दिल्ली च केजरीवाल नूं इलैक्शन जिताई सी, पिछली वारी कैप्टन अमरिंदर सिंह जिताई सी, मुड़ के इन्हें बिहार च जाके नीतीश नूं जिताई झूठे तो ठगियां मार मार के। वह ऐतकी फिर इन्हों का एडवाइजर बनया कैप्टन अमरिंदर सिंह का, फिर झूठ की उपलंधा तैयार कर रहा। वह कहिंदा मैं झूठ ही ऐसे तरीके बोलूँगा लोग सच मन जाएंगे, तुहानूं अगे वोटां पातियां गांव ही पा देंगे। सो मैं ये गल दसनी चाहुंदा लोगों नूं, साडी पार्टी ने सोचे भी दसना चाहिए भी एक झूठ मारन वाला दुबारा फिर झूठ मारन आ गया, इन्हां तों सानूं सचेत रहना चाहिए। कांग्रेस ते पंजाब दे 10 तरीक नूं कहनी कणक पंजाब दी पक्की नहीं गई, कोई वड्डे नुकसान हो गए जिमीदारां दे, इन्हें भर लैणे भी रल के ही केंद्र दी सरकार दे नाल ये तरीका गांह पछां करदा फिरदा वा। इन्हें एक भी पंजाब दा केस जिहड़ा चंगे तरीके दे नाल केंद्र को पलीट नहीं किया, जदों उत्थे तिन्ना कानूनां दा विरोध सी पार्लीमेंट च बोल के वोटा पाउण दे टाइम ते उत्थों आउट हो गए भज गए। दूजे बन्ने श्रोमणी अकाली दल उन्होंने विरोध भी किया, वोटा भी खिलाफ पाइया, 25-30 साल की भाईवाली भी तोड़ी, केंद्र चो अपनी वजारत भी छड़ी। सो मेरा भाव है ये मुकाबला जिहा करन दी कोशिश करदे अकाली दल नाल, अकाली दल दा इन्हां दा की मुकाबला पंजाब दे विच। अकाली दल ने जो मौजां ते बहारां किसानी नूं दित्तियां उह दुनिया भर च कितों रहता ते उह काम नहीं हैगे। सो असीं इन्हां दे जिहड़े झूठ आ इन्हां नूं नंगियां करन वास्ते असीं अज जिहड़ा ये धरना ते जोरदार प्रोटेस्ट ये असीं आम आदमी पार्टी दे खिलाफ़ भी करदे आ ते असीं कांग्रेस के खिलाफ भी करते हैं ते केंद्र की सरकार के खिलाफ भी करते हैं, ता कि तिने ही पंजाब के दोषी ने ते दोखी ने। मुद्दा ये धरना जो लाया सुखबीर सिंह बादल प्रधान जी ने सानूं हुक्म दिता पूरे पंजाब च कि धरना लाना, ये होया महंगाई के खिलाफ और विकास के खिलाफ।
और सैकेंडली आम आदमी पार्टी ने जिहड़ा केजरीवाल ने नोटिफिक किया उत्थे नोटिफिकेशन उहदे खिलाफ और भगवंत मान ने उत्थे मोहर लाती साइन करते कि बिल पास किया जाए। ये सरासर दोगली पॉलिसी आवाम ना कर रहे हैं और कैप्टन ने अज तक कोई भी एक भी वादा पूरा नहीं किया। मलेरकोट का वो बुरा हाल है, रोड्स का बुरा हाल है, हॉस्पिटल का बुरा, हर महकमे का बुरा हाल किया वे, सिर्फ लुट सुट के लुट लिए, वादे पूरे हुए जी, एक भी वादा पूरा नहीं है, सिंगल वादा भी पूरा नहीं है। आ हुण मैडम अपने महकमे के औरतों नूं कि जी मुफ्त सफ़र करा देंगे, सवा चार साल इन्हों पता नहीं कि औरतों भी है इतने, हूँ लगे पता इन्हों सवा चार साल च के पूरे सफ़र करावे, इस करके कोई वादे पूरा किया। सारे पंजाब दे विच हलकियां दे विच धरना लाउण दा मकसद सी वी जिहड़े अपने वर्कर साहिबान उन्हां नूं बड़ा विस्थार नाल दस्या जावे जो श्रोमणी अकाली दल ने काम कीते ते जो किसानी मसले दे विच सब तो वड्डे झूठ कैप्टन साहब बोल रहे आ जां किसानी मसले दे विच सब तो वड्डा गुमराह करन काम जो आम आदमी पार्टी कर रही है उस बारे अज वर्करां नूं विस्थार दे नाल दस्या। वर्करां नूं सारा जिहड़े काम उन्होंने कैप्टन जां भगवंत मान जां केजरीवाल कर रहा उहदा विस्थार दे नाल मतलब कि कागज़ पत्तर ते चंगी तरह लिख के सारे वर्कर साहिबाना नूं उह वंडिया गया ते तां कि उन्हां नूं सारिआं नूं पता लगे पिंड च जाके प्रचार करन भी जो आ गुमराह करन बयान दे रहे आ आम आदमी वाले केजरीवाल जां कैप्टन उन्हां बारे दसण लई असीं इत्थे इकट्ठे होए हां क्योंकि जो करतूतां उन्होंने किसानी मसले लई कीतीआं जो उन्होंने गलत काम किए किसानी मसले लई उस दे रोस वजो अज असीं धरना लाया तां कि वह सुती हुई सरकार क्योंकि यार देखो जे मुख्यमंत्री आ कि वह प्रधानमंत्री कोल जाके किसानी मसले हल नहीं सी करा सके करा सकता उहदी नीयत माड़ी आ। बादल साहब मुख्यमंत्री हुंदिया चाहे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री सी जिथे पंजाब दा मसला सी पंजाबीयत दा मसला सी जिथे किसानी गरीब मजदूर दा जां किसी दुकानदार का मसला हुंदा सी तां बादल साहब खुद चल के प्रधानमंत्री कोल जांदे सी। ते यार अज पंजाब दा मसला पंजाब दी किसानी दा मसला पंजाब दी किसानी लई की कैप्टन साहब जा नहीं सकते उत्थे गल नहीं कर सकते प्रधानमंत्री नाल। सो इस करके असी रोस वजो अज इत्थे इकट्ठे होए आ तां कि असी तगड़े होके जिहड़ी सुती पई सरकार नूं जगाईए जो गलत काम कर रही है जो झूठे वादे कीते सी उन्हां बारे असी जाणू कराउण लई आ धरना दित्ता। किसानां वल्लों अज कहा जा रहा है कि जिस दिन असी प्रोग्राम करना हुंदा उसे दिन ही अकाली दल करदा। नहीं देखो असीं देखो किसान असीं सत्कार करदे हां किसान जथेबंदियां दा असीं हमेशा उन्हां नूं कहा भी तुसीं अगे लग के जिथे साडी लोड़ होवे असीं मगर लग के चलांगे क्योंकि कदी भी असीं उन्हां नाल टकराओ वाली नीति ना रखी ना रखनी आ क्योंकि हमेशा अकाली दल ने किसानी का साथ दिता। देखो मेरी एक बेनती सुनो जी असी तो किसानों का सत्कार करते हैं असी भी सारे किसान हाँ किसान किसानी परिवारों के विचों हाँ असी सत्कार करते हैं किसानी का तो हर एक लड़ाई असी किसान जथेबंदियां नाल लड़ के जो सानू वह हुक्म करनगे जो सानू वह जिम्मेवारी लाउणगे असी हमेशा उन्हां दे नाल। यार देखो सानू तो कोई इस गल बारे ना पता लगे ना किसी ने दसिया जे उन्होंने जो सा कदी भी जदों सानू कोई सुनेहा लाउंदे किसान भी आ करना जां ऐ करना तो असीं हमेशा उन्हां दा साथ दिंदे। पंजाब सरकार दी सिक्ख्या नीति जिहड़ी करोना दा बहाना ला के स्कूल बंद कीते गए की कहना चाहुंदे? देखो करोना दा जिहड़ा डर आ ना आ तो सिर्फ जिहड़ियां श्रोमणी अकाली दल दीआं पंज वड्डीआं रैलियां होईआं उहदे करके इन्हां नूं डर सामने आया। मैनूं एक दसो तुसीं भी करोना जिथे जदों रैलियां च है नहीं जिथे मोदी दीआं रैलियां हो रहीआं उत्थे करोना है नहीं? वैसट बंगाल च है नहीं? क्यों बच्चों के साल खराब कर रहे हैं बच्चों के नाल जुड़िया हुई इन्ने जिहड़े वैन ड्राइवर आ बेचारे वैन वाले आ क्यों उन्हां दा रोज़गार खत्म कर रहे हैं? मतलब कि कहण दा भाव मैनूं तां लगदा कोई करोना है नहीं। ओ यार किसे नूं नहीं होया वीर मेरी एक गल सुन लो जिहड़ा करोना करोना की आ पंजाब सरकार आपदियां नलैकियां छपाउण पिछे करोना का सहारा लई जांदी है जिहड़ी कि बहुत माड़ी गल आ। सरदार सुखबीर सिंह बादल जी प्रधान श्रोमणी अकाली दल ते समुची कोर कमेटी ने जो अज पंजाब दे विच
आम आदमी कांग्रेस के जोड़े झूठे प्रचार झूठिया सहा करके और ये सारा कुछ घबरा प्रचार किया उस उजागर करने वास्ते अच पंजाब हर हल्के समुचे धरने से जा रहे धरने जोड़े आ ये अच्छ सारे कि लोगों दसनगे कि आम आदमी आदमी तो आम आदमी पार्टी तो कांग्रेस जी कांग्रेस का सूबेदार जिन्हें कि सीधी रैगी करने में पूरा पता सी और किसानों का धोखा किया काले कानून धोखा होया सो इस करके कमेटियां के मैंबर से जिन्होंने पार्लीमेंट वोट नहीं पाई सारा कुछ कि पता होंगे ये वाकआउट किया और अच्छ कि पंजाब श्रोमणी अकाली दल धरने दे के बड़िया बड़िया कॉन्फ्रेंसा करके ये सारा कुछ जोड़ा उजागर कर रहा और सरकार जी कांग्रेस की सरकार झूठ बोल के बनी सी ते आम आदमी कि पार्टी जी केजरीवाल ने अपने बच्चों की सहु खाधी सहु खा के बनिया सरकार जड़िया अज सारे लोगों झूठ उजागर करके श्रोमणी अकाली दल ना दसूगा और आने वाले समय 2022 दे विच जो सरकार बन वाली साहब सुखबीर सिंह जी बादल इस कि पंजाब के सीएम होंगे और जेडे कि सरकार बनते पंजाब काले कानून लागू नहीं होंगे ना सीधिया अदायगिया होगी श्रोमणी अकाली दल जेडे जो सरदार सुखबीर सिंह बादल ने आख्या जिमें अधे बिल बिजली के किए जाएंगे और होर सारिया सहूलत जीडिया उस तरह कायम हो अज का जोड़ा रोष धरना है कांग्रेस सरकार कैप्टन सरकार की अगवाई वाली सरकार के झूठे वादे करके पंजाब की जनता नूं ठगिया और उत्थे ही आम आदमी पार्टी के जिहड़े ने उन्हां दे दोहरी नीतियां के किसानां दे वल जो पब्लिक चाहते ने तो किसानां दे हितां दी गल करते हैं जो पार्लीमेंट हुंदे ने तो किसानां दे हक दे अगेंस्ट किसानां दे हक दे विच अपना नारा नहीं लाते सिर बाहर आ के जो वो गल करते हैं कि भी जो इन्होंने अपना स्टैंडिंग कमीशन के नतीजा जो कानून पास किया भगवंत मान वह मैंबर है स्टैंडिंग कमेटी का दो तीन वेद कांग्रेस के एम पी स्टैंडिंग मैंबर ने और उत्थे उन्होंने यदा विरोध नहीं किया जबकि वह कानून लागू हो गया और ये जी दोहरी नीति है कांग्रेस की अपना आम आदमी पार्टी की ये लोगों इस गल से जागरूक कर आए हैं एक रोस धरना इस करके है कि भी जी कांग्रेस है पिछले चार साढ़े चार साल तो लगातार सुती पई सी लोगों का झूठे वादे करके गुटका साहब की सहुं खा के पंजाब की जनता का किए वादे जो एक भी वादा उन्होंने ने पूरा नहीं किया सिर्फ ये अखीरले हूँ चार महीने रह गए ने और इन चार महीनों कांग्रेस को भी सारिया गल्लां चेते आ गई ने क्या ये पंजाब की जनता को बेवाकूफ समझते हैं पर पंजाब के लोग इन्ने बेवाकूफ नहीं है भोले जरूर ने लेकिन बेवाकूफ नहीं है हुण पंजाब की जनता यह समझ चुकी है कि यह हर बार अं पिछले साडे जीवन के कीमती साढ़े चार साल कांग्रेस सरकार खा गई है और आने वाला समा असी इन्हों अरना के उत्ते भेट नहीं करांगे अपने बच्चों का भविख या अपना भविख देश दुनिया दीयां ताज़ा खबरां दे लई हुणे प्ले स्टोर तो डाउनलोड करो पंजाब की आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म के उत्ते उपलब्ध है फेसबुक के उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत का ऑफिशियल पेज डेली अजीत ते हाँ नाल ही दोस्तों नूं पेज लाइक करने लई इनवाइट करना ना भुलना इन्ना ही नहीं हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है ट्विटर दे उत्ते खबरां दे लई फॉलो करो डेली अजीत ते इंस्टाग्राम दे उत्ते खबरां दे नाल नाल वीडियो देखण दे लई फॉलो करो ब्लू टिक वाला साडा ऑफिशियल चैनल डेली अजीत इना ही नहीं अजीत दे वीडियो हुण तुसीं एप्पल टीवी दे उत्ते भी वेख सकदे हो ते नाल ही अजीत अखबार दा डिजिटल एडिशन पढ़न दे लई डाउनलोड करो अजीत ई पेपर ऐप तुहाडा अपना भरोसेयोग चैनल तुहाडी अपनी आवाज़ पंजाब दी आवाज़ अजीत।